हेलो दोस्तों, मैं बादल। मैं नेहा। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो भी आपको अच्छे कर देते हैं। वैसे तो ये अब आम बात हो गई है, खेसारी लाल यादव जी का नया गाना आना या नई मूवी का ट्रेलर आना, फिर भी हम फुल ऑन जोश के साथ एक बार फिर से एक नई मूवी का ट्रेलर लेके आ गए। ट्रेलर आया था कल, लेकिन कल हम उसका रिएक्शन नहीं कर पाए क्योंकि कल खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे था और कल हमने उनकी बहुत वीडियोज़ का रिएक्शन किया है और ऑलरेडी दो वीडियोज़ का हमने अलग से रिएक्शन कर दिया था, तो इसलिए कल हम उसका रिएक्शन नहीं कर पाए। बट हेयर वी आर, आज हम ज़्यादा देर ना करते हुए लेके आ गए हैं। मूवी का नाम है तेरे नैना, ओ मेरे नैना तेरे नैना, मतलब मेरी आँखें तेरी आँखें हैं, ऐसा कुछ नाम है। तो अब बता देते हैं किस किस ने सजेस्ट किया। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया। इसमें जो एक्ट्रेस है वह खुशबू शर्मा, जैसे नाम खुशबू है, मतलब ऐसी खुशबू जैसी महकती भी हो वो, ये देखेंगे हम आगे जाके। अभी नाम बता देते हैं किस किस ने सजेस्ट किया है। हम ये हमें सजेस्ट किया है अमन आशिक ऑफिशियल, राजा राजकुमार, नितेश राज, ब्रिजेश जैनी, अमर कूल गैजेट्स, अमित सिंह, अनिकेत वर्मा 123, अनिल सिंह UP64, बॉलीवुड क्लिप्स, बिग्गू कुमार, दीपक खेसारी फैन व्लॉग, फिल्मी हिट भोजपुरी, IA गेमिंग, आइडियल रियल पावर स्टार KLY, कासिम शेख, कौशल कुमार, मधुकर पंडित, मूवी सीन, मुन्ना भाई मुन्ना भैया, एनके एंटरटेनमेंट, नीतीश यादव कैमूर भभुआ बिहार, नित्यानंद बादशाह, पवन सिंह डोडी चटवा, रोक्स प्रदीप, राहुल कुमार, रंजन कुमार छोटू, राजेश यादव, अमन यादव, रवि गुप्ता, RP व्लॉग्स एंड सजीत ऑफिशियल व्लॉग, सिद्धांत निगम ऑफिशियल स्माइल, सबीर आलम, साकिल गाजी, संदीप दुबे, सत्य सरकार, सैयद अफ्ताब अली, शाकिर अली शेख, शिवम विश्वकर्मा, उदय यादव, उमेश कुमार, विकास, विक्रांत वर्मा, विमल यादव, विशाल यादव, योगा लाइव विद फिटनेस, भोजपुरिया एंटरटेनमेंट, प्रिंस सिंह राजपूत, सौरव राज 777, नीतीश दबंग अहियर रेजिमेंट, यदुवंशी मुन्ना यादव, लालू अहिरान KLY। लालू अहिरान KLY तो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो लव यू ब्रदर आप सबको। लेकिन ये सब जो पुराना होता जाता है ना, वो छपता जाता है, उसकी छाप लगती जाती है, इसके कमेंट ज़्यादा होते हैं जो पुराना होता जाता है। तो ये बहुत खास है हमारे, और ऐसे ही खास होने वाला है ये मूवी का ट्रेलर क्योंकि इसमें खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल तो है ही, कमेंट्स इतने ज़्यादा हैं। अच्छा। और जब भी इतने कमेंट होते हैं ना, मेरे को पता है आप लोगों का एक ही मोटिव होता है कि इन लोगों को चौंका देते हैं एक और सुपर ट्रेलर के साथ। तो हम चौंकने के लिए तैयार है अब की बार, क्योंकि इससे पहले जो हमने मूवीज देख चुके हैं ना, ट्रेलर कर चुके हैं, उसके बाद मेरे को पता है भाई हम ऑलरेडी सेट हो चुका है कि कुछ भी हो सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी लाल यादव कुछ भी कर सकते हैं अपने फैंस के लिए, अपनी मूवीज के लिए। तो चलिए देखेंगे, एंजॉय करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले आप कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। समझे थे तुमरा इशारा तनिक तनिक, उनका यकीन दिलाए के पड़ी के तुम उनका चाहती हो। हम दुनिया है जहाँ तेरी कमी है साजन, चाहने तो हम भी लगे हुका दाइमा की ओकर इच्छा कबो पूरा नहीं कर सके थे। दिमाग तो ठिकाने में है ना दाई माँ? नैना रे नैना, नैना नैना, ले गयो मोरा चैना। कौनो पसंद है, वशीकरण करना होगा, उका कौनो करीबी सामान हमरे पास लेके आ। एक मिनट, जब हम दोनों एक ही हो रहे हैं तो ये पर्दा का आएगा। बिखर गई मैं, टूट गए अस पत्ते, पत्ते झड़ में है जैसे।
थी अगर वासु को कुछ हुई गवाना तो हम अपने आप के कबो माफ ना कर सकते हैं। हमको ऐसा रोशनी नहीं चाहिए मोती जिससे हम वासु को ही ना देख सके। हमरा लिए था यहाँ जग सुना दिल में खुशी हमरा यूना आँखियन से क्यों ओ झल हो गई मुझको दिखा के जहाँ तू कहाँ तू लाल विजय सहदेव इनके लेखक हैं क्या लिखा है यार मेरे को तो समझ ही नहीं आया यार। बहुत ज्यादा यूनिक स्टोरी सस्पेंस कितना ज्यादा है इस मूवी में बहुत ज्यादा यार। पहली बार ऐसा वही ट्रेलर देख के मेरे को कोई हिंट ही नहीं है यार। मेरे को हिंट काले जादू के ऊपर है सारा। काले जादू के ऊपर सारा कैसे है क्या हुआ ये लड़की की बताओ पहले। खेसारी लाल यादव को दिखाई नहीं देता ठीक है वो अंधे हैं और लड़की इनको प्यार करती है वो इनसे शादी करना चाहती है चाहती है इनको। पहले नहीं बताइए फिर मैं बताऊंगा ठीक है। तो क्या होता है कि ये मतलब पता नहीं कैसे नहीं उनके करीब जा पाती है तो फिर ये काले जादू का सहारा लेती है जो वशीकरण करने के लिए। तो वो बोलती है कि इसकी कोई करीबी चीची है तो वो उसके कुत्ते का बलिदान कर देती है। लेकिन इसको बाद में पता लगता है मतलब पता तो पहले भी लग जाता है कि भाई खेसारी लाल यादव को अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन बाद में वही है ना अपने पश्चाताप होते ही हैं। देखो बेशक हम किसी के साथ गलत कर दें लेकिन एक टाइम पर अपने आप को तो रियलाइज होता है ना कि मैंने गलत कर दिया। वही चीज़ उनके साथ हुई और उनको लगा कि मैंने अब खेसारी लाल यादव तुमको प्यार ही नहीं कर सकेंगे अगर उनको पता लगे उनके कुत्ते की बलि मैंने दी है। गलत ही क्या मतलब नेहा किसी और ही जोन में पहुंच गई नेक्स्ट जोन में नेक्स्ट यही तो था। अब बस स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया उसमें यही लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट हाँ, हो रही है। हाँ हाँ लड़की कैरेक्टर लेस सी दिखा रखी है थोड़ी सी दोस्तों। अच्छा वैसे अपील बहुत ज्यादा दिखा रखी है लड़की बहुत अपीलिंग सी दिखा रखी है ओट सी दिखा रखी है वो इसीलिए ना क्योंकि थोड़ा कैरेक्टर सीन्स जैसे झाड़ती और ऐसे वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। कैरेक्टर लेस नहीं कैरेक्टर लेस तो छोटो तो बात की आगे बताता हूँ आपको। पहले किसी लड़के के साथ इंटीमेट दिखी उसके बाद दूसरी बात यह है खेसारी लाल यादव की आँखें हैं ठीक है बाद में उनकी आँखें जाती हैं पहले थी जब लास्ट में उन्होंने डायलॉग बोला कि बिना उसके मैं दुनिया को देख के क्या करूँगा। हाँ। उसके बाद फिर वो सीन आया जिसमें उस लड़की को ऐसे ऐसे करके पेंटिंग बना रहे हैं ठीक मतलब उनकी आँखें थी और बाद में या तो उन्होंने अपनी आँखें दे दी किसी को ऐसा कुछ सीन हुआ है ठीक है। और दूसरी बात मेरे हिसाब से डोगी नहीं मारा उन्होंने कुछ और ही मारा मगर भगवान दाईमा ना मार दियो ये भी हो सकता है क्योंकि डोगी तो लास्ट में दिखा है दाईमा नहीं दिखी। हाँ। मतलब मारा तो है वशीकरण तो हुआ है। हाँ। और ये कुछ तंत्र मंत्र के चक्रों में है और वो तांत्रिक है वो भी बड़ी हॉट सी बना रखी थी यार। हाँ। मतलब मूवी में कुछ हॉट फैक्टर कुछ ज्यादा ही डाला हुआ है लेकिन मूवी होने वाली है सुपर क्योंकि इतना सस्पेंस ना सच में कि भाई चौंक गया ना मैं कि भाई मेरे को कुछ भी तो नहीं समझ में आया यार। लेकिन मैं खुद अपनी सोच पे सोचने में मजबूर हो गया क्या मैं सही सोच रहा हूँ ये क्या है। हाँ, सस्पेंस तो, इतना है। हाँ मतलब पता है क्या देखो दोस्तों मूवी बहुत अच्छी होने वाली है मतलब इंटरेस्टिंग है जब इतना सस्पेंस होता है ना। हाँ, तो मूवी अच्छी इंटरेस्टिंग है मतलब पूरा पैसा वसूल मूवी है लेकिन शर्त एक है कि अपने बच्चों के साथ ना देखे नहीं जितने हॉट सीन आप ही कह रहे हो ना वो थोड़े बहुत हैं ये अच्छा ओ, ये थोड़े बहुत ही कुछ ऐसे आ जाते हैं कि बच्चों के आगे एम्बैरेस फील हो जाते हैं कि भी क्या ही चला दिया हमने। लेकिन बच्चे नहीं देखते मूवी वैसे बच्चों को मूवी टीवी भी दिखाना चाहिए मूवी तो छोड़ो। हाँ। ठीक है कार्टून भी एक दिन में आधा घंटा दिखा दो बहुत होता है बिल्कुल ठीक है। बाकी आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ जिस हिसाब से सस्पेंस है ना इस मूवी में इतने सस्पेंस को चीरते हुए गजब की मूवी निकलती है। हाँ। मेरे ख्याल से ये मूवी वैसी होने वाली है। आपका सजेशन क्या है आपकी सोच क्या है प्लीज कमेंट करके बताना क्या नेहा सही थी मैं दोस्तों क्या मैं सही हूँ ये तो हमेशा ही सही रहते हैं ये मेजोरिटी बताएगी। हाँ मतलब कि भी जो हमें समझ आया क्या वो ठीक है और आप लोगों को जो समझ आया वो भी लिख के बता देना प्लीज अगर हमने कुछ गलत समझा हो तो। बाकी मूवी में सस्पेंस है बहुत ज्यादा एक्ट्रेस बहुत सुंदर है और कुछ ज्यादा ही अपीलिंग है और सब कुछ अपीलिंग है। इसमें दाई माँ का बेचारिया थोड़ा सा रोल था उसके बाद शायद दाई माँ को बोरी में भर दिया ठीक है तो वो हम आगे जाके देखेंगे। बाकी मूवी अच्छी होने वाली है फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाली है। दो ढाई घंटे का आपका टाइम कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा इस बात की हम गारंटी लेते हैं क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया है ना मूवी फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारा रिएक्शन लगता हो अच्छा हमारा रिव्यू लगता हो अच्छा हमारी बातें लगती हो अच्छी हम दोनों लगते हैं अच्छे तो
चैनल कर लो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। बिल्कुल, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।